चैलेंज कांग्रेस के लिए नहीं है, बीजेपी के लिए चुनौती है, अवसर है कांग्रेस के लिए। तो अगर बस्तर सीट जो है हमेशा से छत्तीसगढ़ में सत्ता के ताले खोलते आई है, बस्तर की लीडरशिप जिसको कही जाती थी उसकी कमी आज भी खलती है। हम उतने विकास को वहाँ तवज्जो राष्ट्रीय मीडिया देता नहीं। छत्तीसगढ़ का लोकसभा चुनाव 11 सीटों पर सबसे महत्वपूर्ण सीट बस्तर को माना जाता है। बस्तर लोकसभा और विधानसभा दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन इस सीट पर किसका कितना कब्जा और किस तरीके की परिस्थितियां हैं, इस पर ही हम आज चर्चा करेंगे विस्तार से। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव की तैयारी बीजेपी और कांग्रेस ने कमर कस ली है, प्रत्याशी मैदान पर हैं, लेकिन दूसरी तरफ देखें तो मुद्दों पर राजनीति यहाँ पर किस तरीके से हो रही है। लेकिन उससे पहले ये समझना होगा कि बस्तर की तासीर क्या है। 1952 में बस्तर लोकसभा सीट अस्तित्व में आया था और उसके बाद सबसे ज़्यादा बीजेपी का दबदबा उस सीट पर रहा और अब लोकसभा में कांग्रेस भी उस पर बराबरी करती हुई नज़र आ रही है। लेकिन इस बार 11 में से जो 9 सीटें बीजेपी के पास है उनमें से 2 सीटें कांग्रेस के पास में, जिसमें से एक बस्तर भी शामिल है। और इसी बस्तर की सीट पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार उचित शर्मा जी हैं, हम उनसे ही समझेंगे कि आखिरकार इस लोकसभा सीट के क्या कुछ मायने हैं। सबसे पहले तो उचित जी, बस्तर क्यों इम्पोर्टेंट है और बस्तर लोकसभा सीट किस तरीके से इम्पोर्टेंट है? देखिए, बस्तर लोकसभा इसलिए इम्पोर्टेंट है कि पूरे हिंदुस्तान में एक मैसेज जाता है कि आदिवासी क्षेत्र में आखिर किस राजनीतिक दल की पकड़ है, किस नेशनल पार्टी की पकड़ है। क्योंकि बस्तर ऐसा एक सुदूर क्षेत्र है कि अगर उसके किसी कोने में ऐसी जगह पे वहाँ पे अगर कोई पार्टी, राजनीतिक पार्टी का अपना दबदबा या वर्चस्व रहता है तो ये मान लिया जाता है कि हिंदुस्तान के हर कोने में वो राजनीतिक पार्टी मौजूद है। तो बस्तर शुरू से एक पिछड़ा एरिया रहा है, बहुत सुदूर एरिया है, नक्सल है, वनोपज है, वहाँ पे जितने भी तेंदुपत्ते के बड़े काम होते हैं, जंगल है, जल जंगल जमीन की लड़ाई भी है, आदिवासियों की अपने संस्कृति है। तो उन तमाम चीज़ों के बीच राजनीति और राजनीतिक दल ये बताने की हमेशा से कोशिश करते हैं कि हम वहाँ मौजूद हैं। तो ये मान लिया जाता है कि अगर कोई राजनीतिक दल इस क्षेत्र में है तो आप मान के चलिए कि पूरे पैन इंडिया या हिंदुस्तान में उसकी मौजूदगी है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि अगर विधानसभा में देखें तो अगर बस्तर सीट जो है हमेशा से छत्तीसगढ़ में सत्ता के ताले खोलते आई है, आदिवासी क्षेत्र से ही सत्ता के ताले की चाबी मिलती है किसी भी राजनीतिक दल को। लोकसभा की परिपाटी वहाँ ये रही है कि लोकसभा में आप 1952 से आप देखें तो लगातार देखें तो वहाँ किसी एक पार्टी का दबदबा रहा नहीं। वो पहला एक लोकसभा की सीट है छत्तीसगढ़ की बात करें तो जहाँ सबसे ज़्यादा बार स्वतंत्र लोग जीत के आए, निर्दलीय जीत के आए, स्वतंत्र नेता जो जिस पार्टी के लोग रहे वो जीत के आए हैं। आप पहले मचाकी कोसा से लेके आप अगर नीचे दीपक बैस तक 19 तक की बात करें तो इसमें लगभग 4 बार जो है वो निर्दलीय लोग जीत के आए हैं। और एक और चीज़ है कि वहाँ पे दोनों ही राजनीतिक दलों ने अपने अपने समय, ऐसा नहीं किसी का वर्चस्व रहा। आप देखिए छत्तीसगढ़ जब बना तो उसके पहले के 2 चुनाव और उसके पहले का एक चुनाव महेंद्र कर्मा भी जीत के आए थे 96 के, वो निर्दलीय जीत के आए थे। उसके बाद 98 99 के चुनाव में आप देखें तो बलिराम कश्यप, फिर 4 और 9 के भी चुनाव उन्होंने जीते, लगातार 4 चुनाव उन्होंने जीते। उसके बाद उनके सुपुत्र दिनेश कश्यप, लोग कश्यप परिवार का वर्चस्व रहा है उस सीट पर, लेकिन छत्तीसगढ़ बनने के बाद ये पहली बार दीपक बैस जी ने छत्तीसगढ़ बनने के बाद कांग्रेस का जो 96 99 के लगभग, मुझे तो याद नहीं लेकिन मुझे लगता है कि 30 साल बाद कोई कांग्रेसी वहाँ से जीत के आया है। 96 से भी काउंट करें तो ठीक है, तो उसके पहले 77 में जनता पार्टी ने जीता था वहाँ, उसके बाद फिर अभी लगातार जनता पार्टी का वर्चस्व रहा है, फिर कांग्रेस अपना वर्चस्व। तो कांग्रेस अपना 2019 की जो 2 सीट थी कांग्रेस की छत्तीसगढ़ में कोरबा और बस्तर की, तो क्या रिटेन कर पाती है, वापस ओपोजिशन पर ला पाती है कि नहीं? क्योंकि बस्तर बड़ा एक राजनीतिक दृष्टिकोण से बड़ा महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है और वहाँ पे कांग्रेस ने विजय की और बाकी जगह भाजपा है। तो इस बार चुनौती कांग्रेस के लिए ज़्यादा है अपनी सीट बचाने की। नहीं, कांग्रेस के लिए चुनौती है, बीजेपी के लिए चुनौती है, लेकिन बस्तर में मुद्दे क्या आपको लगता है कि जो लोकसभा चुनाव के मुद्दे होते हैं, खास तौर पर अगर सड़क नाली पानी जैसे बुनियादी विधानसभा के मुद्दों की बात कर लें या लोकसभा के मुद्दे राष्ट्रीय मुद्दों की बात कर लें, सुरक्षा की बात कर लें, विकास की बात कर लें, ये तमाम क्या बस्तर
तक पहुंच पा रही है, बीजेपी को बढ़त वहां पर क्या इन मुद्दों के साथ में मिल रही है, या फिर कांग्रेस को जो सफलता मिली है वो इसी की नाकामी या खामियों की वजह से मिली है, आखिर समीकरण क्या है वहां? देखिए, वहां पे आप देखें तो सबसे बड़ी समस्या, अगर राष्ट्र लोकसभा पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो नक्सल माओवाद एक बड़ी समस्या तो है, सबसे बड़ी समस्या मैं कहूँगा। दूसरा, उस क्षेत्र में जिस तरीके से धर्मांतरण के इश्यूज आ रहे हैं, उत्तर बस्तर है, दक्षिण उत्तर बस्तर की तरफ आप देखें, और काफ़ी लोग प्रभावित, आपकी विधानसभा अन्य विधानसभा को भी प्रभावित करते हैं वो, तो ऐसा नहीं कि एक समस्या यहीं पर रह जाती है। तो वो धर्मांतरण की एक बड़ी समस्या, तो उसका कोई निजाद जो केंद्र से ही आ सकता है, धर्मांतरण का निजाद आप मान के चलिए हम कितनी लड़ाई कर लें, वो स्टेट से नहीं आने वाला, उसकी निजाद, दोनों चीज़ की निजाद केंद्र सरकार को ढूंढनी पड़ेगी, वो विधान स्टेट लेवल पे वो समस्याओं का समाधान होते मुझे तो नहीं दिख रहा है। विकास के नाम पे मैं कहूँगा कि कोई भी सरकार रहे, विकास सब ने अपने अपने कोशिशें की हैं, किसी ने 10%, किसी ने 20%, किसी ने 40%, लेकिन विकास तो हुआ छत्तीसगढ़ में। वो जगह भी कारण कई हो सकते हैं जहाँ चुनाव नहीं हो पाते थे, बिजली नहीं पहुंच पाती थी, ऐसी जगह भी देखे हमने विकास देखे 25 साल में। ऐसा नहीं कहूँगा, बिल्कुल नेगेटिव नहीं कि नक्सल कम हुआ कि नहीं हुआ, एक अलग बात है, बड़े मुद्दा है, हम उस पर लंबी चर्चा कर सकते हैं, लेकिन विकास की बात करें तो कोई भी, चाहे जीत जोगी के वक्त हो, रमन डॉक्टर रमन सिंह का वक्त हो, भूपेश का वक्त हो, विकास सबने अपने अपने हिस्से का अपने अपने समय में किया है। तो विकास की बात है, हम उतने विकास को वहाँ तवज्जो राष्ट्रीय मीडिया देता नहीं है। विकास हुआ है लेकिन उनके लिए प्रायोरिटी नक्सल में क्या हुआ वो जानना चाहते हैं। आप देख लीजिए कि हम वहाँ पे हम करोड़ों का विकास कर ले लोग, हमारी सरकार पर, हमारे प्रदेश में वहाँ करोड़ों का विकास हो जाए, लेकिन राष्ट्रीय मीडिया एक बम धमाके दिखाने की वो कोशिश करते हैं कि बम धमाका और सड़क पे जो उन्होंने आईडी लगाई उस पे उनका फोकस रहेगा, लेकिन 250 करोड़ के अगर विकास हुए हैं, कोई नई योजनाएँ आई हैं, उस पर दिखाने में राष्ट्रीय मीडिया। आपको लगता नहीं उचित जी कि ये जो तमाम विकास के जो कार्य वहाँ पर होते हैं, एक धमाका हजारों करोड़ रुपए का जो नुकसान है वो वहाँ पर कर जाता है? एक बड़ी समस्या है कि कहाँ पर आईडी होगा ये किसी को पता नहीं होता, विकास के स्कूल वहाँ पर खोले जाते हैं, नक्सलियों की मौजूदगी के कारण स्कूल के दरवाजे भी बंद कर दिए जाते हैं, तो विकास का पैमाना ही नक्सल गतिविधियाँ तय करती हैं, उन पर जब तक लगाम नहीं लगेगा आपको लगता नहीं कि ये तमाम जो धमाके हैं या लगातार फायरिंग होने की बात है, अभी हाल ही में ही हमने देखा कि कुछ 13 शव जो है वो माओवादियों के बरामद किए गए, तो ये जो बैकफुट पर अंदरूनी इलाकों में जो कैंप्स खुल रहे हैं, लगता है आपको कि कहीं दबाव बढ़ रहा है और इसका लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र भी इसका जो असर है, फ़र्क है, वो देखने को मिलेगा, ग्रामीण इस बात को समझ रहे हैं? आप पूर्व में भी रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए, चाहे लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो, इनकी गतिविधियों के परसेंटेज बढ़ जाते हैं जैसे चुनाव के समीप रहते जाते हैं, हम चाहे विधानसभा के समीप जाएं या लोकसभा के, इनकी गतिविधियां बढ़ाना चाहती हैं क्योंकि राष्ट्रीय मीडिया वहां पर संपर्क में रहता है और वो राष्ट्रीय मीडिया को बताना चाहते हैं, अपनी मौजूदगी जताना चाहते हैं। ये एक बड़ा कारण रहता है कि चुनाव के दौरान परसेंटेज जो क्राइम परसेंटेज जो हिंसा का जो बढ़ जाता है वो एक बड़ा कारण है। दूसरी चीज़ कि ये अपने मैसेज को, अपने मुद्दों को राष्ट्रीय मुद्दा बनाने में ये कोशिश इनकी पहला प्रयास रहता है। तीसरी चीज़ कि ये जो कोशिश इनकी रहती है कि यहाँ पे ये नो मैंस लैंड है, यहाँ पे किसी भी राजनीतिक दल को वो फेवर, आप कहें कि ये भाजपा से जुड़े हैं मैं नहीं मानता, आप ये कांग्रेस से जुड़े हैं नहीं मानता, ये किसी भी राजनीतिक दलों के उस पर नहीं है, हमारी अपनी सत्ता है, अपना साम्राज्य है, अपनी जल, अपनी जंगल, अपनी ज़मीन है, हमारा आधिपत्य है, हमारी ये जुडिशरी हमारी है, ये वो बता रहे हैं कि उनकी कोशिश रहती है, लेकिन चुनाव के दौरान बढ़ता है ये अपनी मौजूदगी जाहिर करने के लिए, ऐसे प्रयास इनके रहते हैं। किसका टफ टास्क है इस बार, बीजेपी के लिए ज़्यादा टफ है, कांग्रेस के लिए ज़्यादा टफ है, लोकसभा खासतौर पर बस्तर? देखिए, भाजपा से नाराज़ तो हैं लोग, लेकिन उनको कांग्रेस से भी उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। चुनौती भाजपा को तो है ही, कांग्रेस को उनसे ज़्यादा इसीलिए है क्योंकि अभी अपनी वो 2 सीट भी जो उनकी नगण्य जैसी है, 2 सीट भी वो रिटेन कर ले इस मोदी माहौल में, इस मंदिर के माहौल में, इस 370 के माहौल में, इस 3 तलाक के माहौल में, एक 400 के परसेप्शन जो बनाए जाने की कोशिश है और जो पूरे राष्ट्र में मोदी मोदी की एक लहर है, कोशिश है, तो सबसे बड़ी चुनौती
छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस के लिए भी है, पूरे हिंदुस्तान में, पूरे देश में कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है, विपक्ष के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए चुनौती है, खासकर छत्तीसगढ़ में भाजपा कांग्रेस की दो जो सीट है जी, तो ये इनके लिए बड़ी चुनौती है कि हम ये दो सीट बचा लें, वो भी इस माहौल में, तो भी इनके लिए बड़ी उपलब्धि होगी। बिल्कुल, आपने तो बहुत बारीक जानकारियाँ दी। हमारे साथ में गोहिल जी भी हैं, उनसे भी समझेंगे कि आखिरकार ज़मीनी हकीकत जिस तरीके से उचित शर्मा जी ने बताया, उसके अलावा राजनीतिक समीकरण वहाँ पर क्या हैं। गोहिल जी, सबसे बड़ा सवाल तो यही होता है कि जब दो प्रत्याशी उतारे जाते हैं, मोदी का चेहरा माना जाता है, मोदी के चेहरे के साथ में कांग्रेस जो है वो अपने पार्टी के चेहरे और मैनिफेस्टो उनका भी आ चुका है, आपको लग रहा है कि ये दोनों बीजेपी और कांग्रेस के कैंडिडेट वहाँ पर बेहतर कैंडिडेट हैं उन पार्टियों के हिसाब से? और दूसरा, बस्तर में पार्टियों के जरिए जो चुनावी समीकरण है वो किस तरीके से वहाँ पर अहम बिछाए जाते हैं या उन तक पहुँचाए जाते हैं, आपको लगता है? देखिए मित्र, तो सबसे पहली बात वह है कि हम जब बस्तर के लीडर की बात करते थे तो बस्तर के लीडर में जब हम महेंद्र कर्मा की बात करते थे या फिर बलिराम कश्यप की बात करते थे, भाजपा में और कांग्रेस में ये दोनों नेता, ये वो लीडरशिप, बस्तर की लीडरशिप जिसको कही जाती थी, उसकी कमी आज भी खलती है। हम आज बस्तर के लीडर के तौर पर केवल कवासी लखमा को नहीं देख सकते, या महेश कश्यप जिनको अभी हाल ही में यहाँ पर जैसा बताया जा रहा है आरएसएस की तरफ से या विश्व हिंदू परिषद की तरफ से, चूँकि उन्होंने धर्मांतरण का काम किया है तो उनको उतारा गया है, तो उनको बस्तर के लीडर के तौर पे हम अभी नहीं देख सकते। इनफैक्ट केदार कश्यप भी अभी उस मुकाम को हासिल करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं जो जिसको बस्तर का लीडर कहा जाए, बस्तर टाइगर कहते थे, चाहे महेंद्र कर्मा हो चाहे बलिराम कश्यप हो, तो बस्तर की वो लीडरशिप तो अभी वैक्यूम है। दूसरी बात, जहाँ तक इस समय जो समीकरण की बात है, इस समय आप विधानसभा चुनाव में देखेंगे जहाँ पे 12 की 12 सीटें, 12 में 11 सीटें, फिर 12 सीटें कांग्रेस के पास आई, उसके बाद में तुरंत विधानसभा चुनाव हुए और अभी 8 सीटें भाजपा के पास आ गई है, कुछ 4 सीटें मात्र कांग्रेस के पास में, तो विधानसभा सीटों के लिहाज से इस समय कांग्रेस कमज़ोर दिखाई देती है। लेकिन और शायद यही कारण है कि कवासी लखमा एक ऐसा चेहरा, एक ऐसा विकल्प उतारने की कोशिश कांग्रेस ने की है जिसको बस्तर में लगभग सभी लोग पहचानते हों, वो अपने आचरण के कारण, अपने बयानों के कारण, अपने कुछ उठपटांग हरकतों के कारण हमेशा चर्चा में बने रहते हैं और वो आदिवासियों के बीच में वहाँ उस तरीके से वो लोकप्रिय है। महेश कश्यप वहाँ पे बिल्कुल नया चेहरा है, पिछले 5 सालों में भाजपा ने जो धर्मांतरण का मुद्दा वहाँ पे खड़ा किया उसके पीछे ये कहा जाता रहा कि महेश कश्यप ने काफ़ी मेहनत की है और उसका उनको एक इनाम देने की कोशिश की गई है। ये वक्त बताएगा कि नतीजा किनके तरफ आता है, लेकिन ये बात सही है कि वहाँ पे राज्य के मुद्दों से ज़्यादा राष्ट्र के मुद्दे काम कर रहे हैं। वहाँ पे जो लोगों के बीच में चर्चा है वो नक्सलवाद की नहीं है, वो लोगों के बीच जो चर्चा है वो 370 की नहीं है, वहाँ पर भी लोग मोदी का नाम ले रहे हैं, वहाँ पे भी लोगों के बीच में इस बात की चर्चा ज़्यादा है कि मोदी को लेकर क्या होने वाला है, आने वाले समय में मोदी कितने सीट जीतेंगे। मतलब कहने का तात्पर्य, मोदी के नाम की धमक आप ये कह रहे हैं कि बस्तर के अंदरूनी अंचलों तक पहुंच चुकी है कि जैसे पूर्व में गांधी परिवार को जाना जाता था, इंदिरा गांधी को जाना जाता था, उसके बाद अब मोदी को भी उन बीहड़ अंचलों में जहां पर योजनाएं भी नहीं पहुंच पाती, जहां पर CRPF या पुलिस के लोग भी नहीं पहुंच पाते, स्वास्थ्य सुविधाएं भी नहीं पहुंच पाती, वहां पर मोदी का नाम पहुंच चुका है। बिल्कुल, मैं यही कहना चाहता हूं कि जो शहरी इलाके हैं, चाहे आप कांकेर, जगदलपुर और ऐसे क्षेत्रों की बात करें तो वहां तो मोदी की धमक है ही, लेकिन आप अगर अंदरूनी क्षेत्रों की बात करें तो वहां पे मोदी के बजाय फूल छाप और पंजा छाप, इनकी बात ज़्यादा हो रही है। जो हमारे ग्राउंड रिपोर्ट से, जो हमारे पास जो खबरें आ रही है, सूचनाएँ आ रही है, जो हमारे रिपोर्टर्स काम कर रहे हैं, उनका कहना यही है कि वहाँ अभी लोगों के जहन में ये चीज़ें बैठती जा रही है, माइंड सेट बनता जा रहा है कि हम पर्टिकुलर एक पक्ष में जाएंगे ऐसा, लेकिन ये वक्त बताएगा कि ये कितना कन्वर्ट हो पाता है। लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक दृष्टिकोण से कांग्रेस के लिए वहाँ पे चुनौती खड़ी दिखाई दे रही है। लेकिन बस्तर जिस तरीके से वहाँ पर दीपक बैज ने चुनाव जीता था, और लगातार ये माना जा रहा है कि बसपा भी यहाँ पर 2 सीटों पर लड़ रही है और कांग्रेस भी अभी 2 सीटों पर ही है, 11 में से 2 सीटें कांग्रेस के पास में हैं, तो ऐसे में लग रहा है आपको कि अभी भी जो चैलेंजेस हैं वो बसपा और कांग्रेस के बीच में ज़्यादा टकराहट होगी, तो बीजेपी के पास में एक बड़ी इस 11 की 11 सीटों को जीतने के लिए एक सबसे बड़ी अभी उम्मीद कहा जाए इससे यहाँ पर बाकी? दरअसल चैलेंज बीजेपी के लिए ही है,
चैलेंज कांग्रेस के लिए नहीं है, बीजेपी के लिए चुनौती है, अवसर है कांग्रेस के लिए, क्योंकि कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, बीजेपी के पास पाने के लिए कुछ नहीं है। अगर कांग्रेस दो में दो भी हासिल करती है तो कम से कम पिछले रिकॉर्ड का 100% हासिल कर लेगी, लेकिन बीजेपी चाहती है कि वो 11 में 11 सीटें जीते। और इस वक्त जिस तरीके का माहौल बना हुआ है, जाहिर तौर पे 10 साल की एक एंटी इनकम्बेंसी लोगों के दिमाग में आती है, लेकिन जिस तरीके का माहौल बनाया गया है, चुनाव के बीच में नवरात्र है, चुनाव के बीच में हनुमान जयंती है, चुनाव के बीच में 30 त्यौहार हैं, और उसका माहौल जिस तरीके से बनना शुरू हो गया है अभी से, कि तो उसका असर चुनाव में देखने को मिलेगा, और बीजेपी इसको बड़े कैंपेन के रूप में भुनाना चाहेगी, और आप देखिए उसका असर बस्तर में भी दिखाई देगा। हालांकि ये बात सही है कि बस्तर में एक विवाद शुरू हो गया था पिछले 5 साल में कि आदिवासी खुद को हिंदू नहीं मानते, और वहाँ पर कन्वर्शन रेट बहुत ज़्यादा हो गया था। एक कहीं मैंने पढ़ा था कि 22% के आसपास लोग जो ईसाई बन चुके हैं, तो हिंदुत्व का मुद्दा वहाँ पे कितना काम करेगा ये नहीं कह सकते, लेकिन जो एक माइंडसेट बनाने की कोशिश होती है जिसमें बीजेपी की जो आईटी सेल है, आईटी टीम है, वो काफ़ी मेहनत करती है, और उसका सकारात्मक असर बीजेपी को देखने को मिल सकता है। ठीक है, लेकिन अगर प्रत्याशियों की हम बात कर ले, दो प्रत्याशियों को जो उतारा गया है, उसके पीछे का समीकरण क्या लगता है आपको, कि चेहरे को देखकर इस बार उतारा गया है या फिर कोई सामाजिक ताने बाने को उसमें फिट बैठाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, महेश कश्यप बिल्कुल भी जाना पहचाना नाम नहीं थे, अचानक नाम आया तब लोगों के जुबान पे नाम चढ़ा। हम लोगों को शायद उनका चेहरा भी याद ना हो। बस्तर के परिप्रेक्ष्य में आप पूरे बस्तर में कवासी लखमा को तो कम से कम लोग जानते ही हैं, तो चेहरा वहाँ पर इम्पोर्टेंट नहीं है। चेहरा यहाँ पर भले किसी का भी हो, नाम केवल मोदी का चल रहा है। आप राजेंद्र साहू दुर्ग से चुनाव लड़ रहे हैं, देवेंद्र यादव दुर्ग से बिलाई से जाकर के बिलासपुर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन तो पार्टियों में ये चीज़ें चलती रहती है, यहाँ से वहाँ जाना। लेकिन जो कुल मिलाकर के भाजपा के दृष्टिकोण से देखें तो चेहरा मोदी है, मोदी बनाम ऑल। तो मोदी बनाम ऑल की जो कश्मकश है यहाँ पर बीजेपी के अंदर, चेहरों के लिए उतनी फाइट नहीं है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के बीच में मुद्दों की फाइट जरूर देखने को मिल रही है। दो सीटें कांग्रेस के पास है, कांग्रेस दो सीटें क्या बचा पाएगी, ये अब भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन उससे बड़ा सवाल ये है, उससे बड़ा चैलेंज ये है कि बीजेपी क्या 11 की 11 सीटें इस बार हासिल कर सकती है। दोनों ही वरिष्ठ पत्रकारों ने बहुत गहनता से इन तमाम विषयों पर चर्चा की है, जानकारियां दी है। इसी तरीके के हम और भी विषयों के साथ में, लोकसभा सीटों के साथ में हम आपसे रूबरू होते होंगे। छत्तीसगढ़ से TV9 के लिए अमित प्रशांत।